नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को यानी कि आज सुबह निधन हो गया। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। सैफई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। मेदांता के पीआरओ यानी कि प्रो ने बताया कि मुलायम सिंह को यूरिन इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी बढ़ गई थी। स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिनों तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में ही हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे माने जाते हैं, यानी कि पहली पत्नी के ही बेटे हैं। उनके निधन के बाद यानी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने दुख जताया है। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हो गया था। 26 सितंबर 2022 से आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे। तब से वो आखिरी तक यहीं भर्ती रह गए थे। आपको बता